Hello everyone, subscribe my channel if you have not subscribed it yet and don't forget to press the bell icon for getting new updates. Hello everyone, this is Nilesh Kumar. Welcome to my channel English Attack with Nilesh Kumar once again. Before starting the chapter, one thing I would say, if you have not subscribed my channel yet, then please subscribe it first by pressing the red button and then bell icon. सो लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक. आज का जो हमारा टॉपिक है वो क्लास नाइन्थ के लिए है, चैप्टर टू, द एडवेंचर्स ऑफ टोटो. बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर यू हैव टू नो अबाउट टू एंड थ्री मेन कैरेक्टर्स जिनके बारे में ये स्टोरी है. तो सबसे पहले उन कैरेक्टर्स के बारे में जान लीजिए. ग्रैंडसन, फिर है ग्रैंडपा यानी ग्रैंडफादर, ग्रैंडमा यानी ग्रैंडमदर. ठीक है, दीज आर द थ्री मेन कैरेक्टर्स ऑफ दिस स्टोरी. ठीक है, इन्हीं के ऊपर पूरी कहानी बनी हुई है. ठीक है, अब देखिए कि इस कहानी को नैरेट कौन कर रहा है. ठीक है, इस चैप्टर में इस कहानी को ग्रैंडसन यानी दादाजी का जो पोता है, ठीक है, वो नैरेट कर रहा है. यानी अपने माइंड में ये बात सेट कर लीजिए आप कि ये जो पूरी की पूरी कहानी कही जा रही है वो पोते के द्वारा यानी ग्रैंडसन के द्वारा कही जा रही है. This means इस चैप्टर में कहीं भी समरी पढ़ाते समय, वाइल टीचिंग यू दिस समरी, वेर एवर आई टेल यू आई एंड मी एंड माई, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इज ग्रैंड सन. तो आपको समझ जाना है कि वो कौन है. वो ग्रैंड सन की बात, वहां ग्रैंड सन की बात हो रही है. तो कीप द कैरेक्टर्स इन योर माइंड एंड लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर. आइए शुरू करते हैं. तो सबसे फर्स्ट स्टार में मैंने ये रखा है कि टोटो इज अ बेबी मंकी. ठीक है, लेट्स फाइंड आउट वेदर ही इज मिस्चीवस और डोसाइल. ठीक है, मिस्चीवस और डोसाइल. मिस्चीवस का मतलब होता है शरारती होना. ठीक है, और डोसाइल का मतलब मैंने यहां लिख दिया है पर्सन और एनिमल इजी टू कंट्रोल. ठीक है, लेकिन यहां पर एनिमल की बात की जा रही है टोटो की, कि वो जो मंकी है, वेदर ही इज मिस्चीवस और डोसाइल. डोसाइल का मतलब होता है कि वो एक ऐसा एनिमल है कि उसको आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं या वो मिस्चीवस है. तो आइए अब पॉइंट वाइज इस चैप्टर को समझते हैं. देखिए, फर्स्ट पॉइंट में आई हैव डन, ग्रैंडफादर हैड बॉट टोटो फ्रॉम अ टोंगा ड्राइवर फॉर द सम ऑफ 5 रुपीज. दादाजी ने एक टांगे चलाने वाले यानी एक टोंगा ड्राइवर से, ठीक है, 5 रुपए में टोटो को खरीदा था. द टोंगा ड्राइवर यूज टू कीप द लिटिल रेड मंकी टाइड टू अ फीडिंग ट्रफ. वो जो टोंगा ड्राइवर था वो उस लिटिल मंकी को, ठीक है, एक फीडिंग ट्रफ जहां पर एनिमल्स खाते हैं, ठीक है, उनको खिलाया जाता है, उससे वो बांध कर रखता था. ठीक है, द मंकी लुक्ड सो आउट ऑफ प्लेस. सो आउट ऑफ प्लेस, आउट ऑफ प्लेस का मतलब होता है मिजरेबल दिखना, यानी वो दुखी दिखता था. दैट ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू एड दिस लिटिल फेलो टू हिज प्राइवेट जू. ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बात हो रही है कि जब वो टोंगा ड्राइवर उस लिटिल रेड मंकी को फीडिंग ट्रप से बांध कर रखा हुआ था, ठीक है, तो दादाजी ने देखा वो बहुत ही उदास सा दिख रहा था. कौन? टोटो. ठीक है, दादाजी को दया आ गई उस पर और उन्होंने ये डिसाइड किया, ठीक है, कि इसको मैं अपने छोटे से जू में, है ना, दादाजी के पास एक छोटा सा जू था, ठीक है, जिसमें वो कुछ एनिमल्स को पालते थे, रखते थे. तो उन्होंने ये डिसाइड किया कि इस टोटो को भी, इस लिटिल मंकी को भी मैं उसी में रखूंगा. पॉइंट नंबर टू में टोटो के अपीयरेंस के बारे में बात की जा रही है. हिज ब्राइट आईज स्पार्कल. ठीक है, स्पार्कल यानी चमकती थी उसकी जो ब्राइट आईज थी, वो चमकती थी विद मिस्चीफ, यानी मतलब उसकी जो आंखें थी वो शरारत भरी थी. ठीक है, बीनीथ हिज आईब्रोज हिज टीथ वर पर्ली व्हाइट. उसके जो दांत थे वो पर्ली व्हाइट यानी मोतियों जैसे सफेद चमकते थे. ठीक है, एंड हिज स्माइल फ्राइटेन द एल्डरली एंग्लो इंडियन वुमेन. ठीक है, लेडीज, और उसकी जो स्माइल थी वो एल्डरली एंग्लो इंडियन लेडीज. अब एंग्लो इंडियन क्या होता है वो समझिए. एंग्लो इंडियन का मतलब मैंने यहां पर लिख दिया है, देखिए, वुमेन और persons with Indian and British ancestry, यानी Indian and British दोनों ancestry, ठीक है, belong करने वाले लोग, ठीक है, उनको हम कहते हैं Anglo Indian, ठीक है, जो कि British और Indian दोनों के ancestry से belong करते हैं. ठीक है, तो वो क्या करता था, वो अपनी broad smile से और दांत दिखाकर, ठीक है, खी खी करके वो ना उन ladies को डरा देता था. कौन? टोटो.
ठीक है, आगे देखिए फिर। हिज फिंगर्स वर क्विक, टोटो की जो उंगलियां थी वो बहुत ही शरारती थी, ठीक है, क्विक, बहुत ही एक्टिव थी। एंड हिज व्हाइट टेल एडेड हिज गुड लुक्स, और उसकी जो व्हाइट पूंछ थी वो उसकी लुक को और बढ़ा देती थी। ग्रैंडफादर लिव्ड हिज टेल एज अ थर्ड हैंड टू हैंग फ्रॉम अ ब्रांच एंड डेलिकेसी दैट माइट बी आउट ऑफ रीच ऑफ हिज हैंड्स। ग्रैंडफादर का ये मानना था टोटो की जो पूंछ थी वो थर्ड हैंड की तरह काम करती थी, वो ब्रांच के सहारे अपनी पूंछ से लटक जाता था और उन और द थिंग्स दोज और विच वर बियॉन्ड हिज रीच वहां तक वो पहुंचने की कोशिश करता था। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर थर्ड। ग्रैंड मदर ऑलवेज फर्स्ट, फर्स्ट मीन्स बिकेम एंग्री, दिस मीन्स ग्रैंड मदर हमेशा गुस्सा हो जाती थी। क्यों गुस्सा होती थी वो देखिए। When grandfather brought a new bird or animal to add in his small zoo, ठीक है, जब कभी भी दादाजी किसी न्यू बर्ड और एनिमल को अपने जू में ऐड करने के लिए लाते थे तो ग्रैंड मदर जो थी उनको गुस्सा आ जाता था, वो गुस्सा करती थी, ठीक है। उसके बाद देखिए, So this was decided that the presence of Toto, presence of Toto का मतलब होता है कि Toto की उपस्थिति, ठीक है, तो the presence of Toto would be kept secret, would be kept secret, कि Toto की उपस्थिति को, घर में Toto की उपस्थिति को, ठीक है, दादी माँ को पता नहीं चलने दिया जाए, उसको secret रखा जाए, ठीक है, तो presence of Toto would be secret. Until she was in a good mood. दोनों ये सोचते हैं, grandson and grandfather, ठीक है, कि दादी का जब मूड अच्छा होगा तो उनको टोटो के बारे में बता दिया जाएगा। So it was kept in a little closet, ठीक है, closet means होता है अलमारी, ठीक है, into my bedroom. अब देखो मैंने यहाँ पर my लिखा हुआ है, my means what? Grandson is telling कि in my bedroom. ठीक है, माई बेडरूम वॉल वेयर ही वॉज टाइड सिक्योरली टू पेग इन टू दी वॉल, ठीक है, यानी ग्रैंड सन के बेडरूम में एक पेग यानी खूंटी से बांधकर उसको वहां रखा गया सीक्रेटली, ठीक है, किसको? टोटो को। अब आगे देखिए, फोर्थ पॉइंट में देखिए, अ फ्यू आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडफादर एंड आई केम बैक एंड फाउंड दी वॉल्स एज नेकेड ब्रिक एंड प्लास्टर विच हैड बीन covered with some ornamental paper, ठीक है, the peg in the wall had been wrenched from its socket and my school blazer hanging there was in shreds, यानी turned into shreds, यानी धागो, ब्लेजर जो था वो shreds के रूप में धागे की तरह बदल चुका था, धागों के रूप में बदल चुका था, ठीक है। अब इसको समझिए क्या है वो, देखिए, कुछ घंटे बाद grandson and grandfather दोनों आते हैं देखने, टोटो को देखने आते हैं घर में कि वो कैसा है, ठीक है। जब वो वहां आते हैं तो देखते हैं कि जिस पेग में, जिस खूंटी से उसको बांधा गया था वो पेग सॉकेट से निकल चुकी थी, ठीक है, और दीवार जो कि कुछ ऑर्नामेंटल पेपर से यानी कुछ सजावटी पेपर से सजाया हुआ था, ठीक है, वो सब फाड़ दिए गए थे, ठीक है, और प्लास्टर को वो स्क्रैच और नोच खरोच करके पूरा निकाल दिया था उसने, टोटो ने, ठीक है, प्लास्टर भी, दीवार से प्लास्टर बिल्कुल हटी हुई थी और नेकेड ब्रिक दिखाई दे रही थी, ईंट दिखाई दे रही थी, ठीक है, और ये सारा काम किसका था? ये सारा का सारा काम टोटो का था, ठीक है। आगे देखिए, बट ग्रैंडफादर सीम्ड प्लीज्ड विद टोटो एंड सेड ही इज क्लेवर, लेकिन ग्रैंडफादर ने जब ये देखा, ठीक है, तो उनको बुरा नहीं लगा, ठीक है, वो हैप्पी फील कर रहे थे और उन्होंने ग्रैंडसन से ये कहा कि ये बहुत ही चालाक है, कौन? टोटो, ठीक है। गिवन टाइम ही वुड हैव टाइड द टॉर्न पीसेस ऑफ योर ब्लेजर एज अ रोप एंड मेड हिज एस्केप फ्रॉम द विंडो। दादाजी ने यह कहा कि यह बहुत ही चालाक है, ये अपना माइंड, अपना दिमाग यूज कर रहा था, ठीक है, अगर इसको और थोड़ा समय मिल जाता तो तुम्हारे ब्लेजर को, जिसको इसने थ्रेड्स यानी रस्सियों की तरह बना रखा है, ठीक है, फाड़ के, तो उसको ये रस्सी की तरह इस्तेमाल करके और खिड़की से, यहां से, विंडो से ये भागने की कोशिश करता और यहां से भागने में सफल हो जाता। Now let's understand point number 5. देखिए, His presence in the house was still a secret. यानी उसकी उपस्थिति घर में अभी भी एक सीक्रेट बनी हुई थी।
ही वॉज नाउ ट्रांसफर्ड टू अ बिग केज इन द सर्वेंट्स क्वार्टर्स वेयर अ नंबर ऑफ पेट्स ऑफ ग्रैंडफादर लिव्ड टुगेदर। ठीक है, उसकी जो प्रेजेंस थी घर में, उपस्थिति, वो अभी तक एक सीक्रेट बनी हुई थी। ठीक है, उसके बाद उसको एक बड़े से पिंजरे में डालकर घर में जो सर्वेंट्स होते हैं उनके क्वार्टर्स में उसको ट्रांसफर कर दिया जाता है, जहां पर ग्रैंडफादर के कुछ पेट एनिमल्स एक साथ रहते थे। ठीक है, उन एनिमल्स के नेम को देख लीजिए, मैंने कुछ नेम्स यहाँ मेंशन करा हुआ है। ठीक है, ए टॉर्टाइल्स, ए पेयर ऑफ रैबिट्स, ए टेम स्क्वायरल, स्क्वायरल मींस गिलहरी, एंड अ गोट, गोट मींस बकरी। ठीक है, बट द मंकी डिड नॉट अलाउ एनी वन ऑफ देम टू स्लीप एट नाइट। लेकिन उस रात उस मंकी ने, टोटो ने, किसी भी एनिमल को चैन से, ठीक से सोने नहीं दिया। ठीक है, सो नेक्स्ट डे ग्रैंडफादर डिसाइडेड टू टेक हिम टू देहरादून वेयर ही हैड टू कलेक्ट हिज पेंशन इन सहारनपुर। अगले दिन दादाजी को देहरादून जाना था, वहां सहारनपुर नामक जगह पे उनको पेंशन, अपनी पेंशन कलेक्ट करनी थी। ठीक है, तो अगले दिन के लिए एक प्रॉब्लम ये हो जाती है कि उस मंकी का क्या करना था। ठीक है, तो दादाजी ये डिसाइड करते हैं कि सर्वेंट्स के क्वार्टर में एक रात के लिए जब उसको रखा गया तो उसने किसी भी एनिमल्स को सोने नहीं दिया। ठीक है, तो दादाजी ये डिसाइड करते हैं अगले दिन कि इसको मैं अपने साथ देहरादून ही ले जाऊंगा। वो ये डिसाइड करते हैं कि मैं टोटो को अपने साथ देहरादून ले जाऊंगा। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 में, आई वॉज नॉट एबल टू गो विद माई ग्रैंड फादर। मैंने आपको बताया था आई और माई। ठीक, तो यहां पर आई और माई किसको कहा गया है? आई और माई यहां पर ग्रैंडसन को कहा गया है, यानी ग्रैंडसन ये कह रहा है कि आई वॉज नॉट एबल टू गो विद माई ग्रैंड फादर, कि मैं अपने दादाजी के साथ वहां नहीं जा सका। ठीक है, ऑन दैट ट्रिप, बट ग्रैंड फादर टोल्ड मी अबाउट इट आफ्टरवर्ड्स। लेकिन ग्रैंड फादर जब वहां से लौट कर आए तो वॉट हैड हैपेंड ऑन द वे विद द ग्रैंड फादर, तो ही टोल्ड हिज ग्रैंड सन एवरीथिंग। ठीक है, अ बिग ब्लैक कनवस किट बैग वॉज प्रोवाइडेड फॉर टोटो। ठीक है, विद सम स्ट्रॉ एट द बॉटम बिकेम हिज न्यू अबोर्ड, अबोर्ड बोले तो घर। ठीक है, एंड फ्रॉम विच देयर वॉज नो चांस टू एस्केप। ठीक है, अब देखिए, एक कनवस बैग बड़ा सा, ठीक है, बनाया जाता है टोटो के लिए, और उसके बॉटम में कुछ स्ट्रॉ रख दिया जाता है। ठीक है, और वही टोटो का एक नया घर हो जाता है। ठीक है, और उस कनवस बैग को दादाजी अपने कंधे पर टांग लेते हैं। ठीक है, और उसको अपने साथ ले जाते हैं। ठीक है, और उस कनवस बैग से अब उसका बाहर निकलना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, अब देखिए, He could not take out his hands and only make the bag roll about on the floor occasionally, jump into the air and attracted onlookers on the Dehradun railway platforms. Onlookers का मतलब होता है audience, जो दूसरे देखने वाले जो लोग होते हैं वो। ठीक है, वो उस canvas bag में से अपना हाथ को, अपने हाथों को बाहर नहीं निकाल सकता था। ठीक है, तो वो जो टोटो जो मंकी था वो इस तरह की हरकत करता था उसके अंदर ही। ठीक है, जंप करके। ठीक है, कि वो जो कनवस बैग था वो प्लेटफॉर्म पे ही, जमीन पर, फ्लोर पर वो लुढ़कने लगता था, जिससे कि जो ऑन लुकर्स थे वो अट्रैक्ट हो जाते थे उस कनवस बैग की तरफ देखने के लिए कि उसमें क्या था। ठीक है, आइए समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट। देखिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या होता है, जब दादाजी सहारनपुर पहुंचते हैं देहरादून, फिर देखिए क्या होता है, इन सहारनपुर एट द रेलवे टर्नस्टाइल। टर्नस्टाइल एक ऐसा गेट होता है जिससे होकर एक बार में एक ही आदमी बाहर जा सकता है। ठीक है, उसकी जांच होती है। सडनली टोटो पोक्ड हिज हेड आउट एंड गेव द टिकट कलेक्टर ए वाइड ग्रीन। ए वाइड ग्रीन का मतलब मैंने यहां लिखा हुआ है अ ब्रॉड स्माइल। ठीक है, तो जब टर्नस्टाइल से होकर बाहर निकल रहे होते हैं दादाजी, तो वहां पर जो टोटो होता है उसकी एक मिस्चीवस एक्ट होती है। वो क्या होती है कि टोटो जो होता है पोक्ड हिज हेड आउट एंड गिव द टिकट कलेक्टर अ वाइड ग्रीन। अ वाइड ग्रीन का मतलब होता है ब्रॉड स्माइल। ठीक है, वो अपनी दांत दिखा के और टिकट कलेक्टर को, ठीक है ना, वो स्माइल करते हुए उसको डरा देता है। ठीक है, फिर देखिए आगे देखते हैं, द टिकट कलेक्टर सेज टू द ग्रैंडफादर दैट ही वॉज हैविंग अ डॉग विद हिम एंड ही विल हैव टू पे फॉर इट अकॉर्डिंगली। अब उसके बाद क्या होता है, टिकट कलेक्टर जैसे ही मंकी को देखता है उस बैग में, वो दादाजी को कहता है कि यू आर हैविंग अ डॉग विद यू, यानी आपके पास एक कुत्ता है और इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, उस बात देखिए क्या होता है,
The grandpa took the toto out of the bag and tried to prove that it was not a dog, it was a monkey. फिर क्या होता है, जो दादाजी होते हैं ठीक है, वो उस मंकी को अपने बैग से बाहर निकालते हैं और वो ये साबित करने की कोशिश करते हैं टिकट कलेक्टर को कि देखो ये कुत्ता नहीं है, इट्स अ मंकी. ठीक है, उसके बाद देखिए, बट टोटो वॉज क्लासिफाइड एज अ डॉग बाय द टिकट कलेक्टर. लेकिन टिकट कलेक्टर जो होता है वो मंकी को एक डॉग की तरह ही क्लासिफाई करता है. एंड ग्रैंडपा हैड टू पे 3 rupees एज हिज फेयर. ठीक है, यानी होता तो वो मंकी है. ठीक है, ऐसा भी नहीं था कि टिकट कलेक्टर जो था वो अंधा था, उसको देख नहीं पा रहा था, लेकिन उसको वो डॉग की तरह क्लासिफाई करते हुए और कहता है कि आपको इसके लिए फेयर इसकी जो है वो अदा करनी होगी. ठीक है, फिर दादाजी को उसको 3 rupees पे करने पड़ते हैं. ठीक है, आगे देखिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होता है. देन ग्रैंडफादर टुक आउट हिज पॉकेट आउट अ टॉर्टाइज एंड सेड, व्हाट मस्ट आई पे फॉर दिस सिंस यू चार्ज फॉर ऑल एनिमल्स. ठीक है, फिर दादाजी को थोड़ा बुरा लगता है इस बात पे. फिर वो क्या करते हैं, उनको भी एक शरारत सूझती है और वो ना अपनी जेब से उनका जो पेट होता है टॉर्टाइज यानी कछुआ, ठीक है, उसको वो निकालते हैं और टिकट कलेक्टर को दिखाते हुए कहते हैं कि ये देखो, क्योंकि तुम हर तरह के एनिमल्स के लिए चार्ज करते हो तो ये बताओ कि इसके कितने पैसे लोगे. ठीक है, उसके बाद देखिए, द टिकट कलेक्टर प्रोडेड इट विद हिज 4 fingers एंड सेड स्माइलिंग, नो चार्ज, इट इज नॉट अ डॉग. ठीक है, फिर टिकट कलेक्टर क्या करता है, वो उस कछुए को अपने 4 fingers यानी आगे की उंगली से उसको टच करके प्रॉड करता है. ठीक है, और उसके बाद फिर वो कहता है स्माइल करते हुए कि इसके लिए कोई चार्ज नहीं है, इट इज नॉट अ डॉग. ठीक है, वो स्माइल करते हुए दादाजी को ये कहता है. फिर देखिए उसके आगे क्या होता है. When Toto was finally accepted by grandmother, he was given a comfortable home in the stable. ठीक है, where he had a companion. Companion का मतलब होता है साथी, उसके साथ रहने वाला, the family donkey. ठीक है, जिसका नाम होता है नाना. ठीक है, अब समझिए इसको. जब फाइनली टोटो को एक्सेप्ट कर लिया जाता है घर में दादी माँ के द्वारा भी, ठीक है, तो उसको एक कंफर्टेबल होम दिया जाता है. ठीक है, और घर का ही फैमिली डोंकी होता है जिसका नाम होता है नाना. ठीक है, उसके साथ उसको रखा जाता है स्टबल में. ठीक है, अब देखिए उसके आगे, बट व्हेन ग्रैंडफादर केम टू सी टोटो ही सॉ नाना विदाउट अपेरेंट कॉज पुलिंग हर हेड फ्रॉम अ बंडल ऑफ हे. बंडल ऑफ हे का मतलब होता है कि घास का एक ढेर. ठीक है, जब दादाजी वापस देखने आते हैं टोटो को कि वहां पर वो कैसा था, तो वो देखते हैं वहां पर वो ना एक बंडल ऑफ हे यानी घास के अंदर अपना मुंह घुसेड़ रखा था और वो अपने सिर को बाहर की तरफ खींचने की कोशिश कर रहा था. ठीक है, फिर क्या होता है वो देखिए. ग्रैंडफादर गेव नाना ए स्लैप अक्रॉस हर हॉन्चेस एंड शी जर्क्ड बैक ड्रैगिंग टोटो विद हर. Actually, he had fastened onto her long ears with his sharp little teeth. Toto and Nana never became friends. Actually, होता क्या है, जो वो हेयो बंडल में अपना सिर घुसा हुआ रखता है और नाना, ठीक है, तो दादाजी आते हैं और उसके हंच पे मारते हैं, एक थप्पड़ मारते हैं. ठीक है, थप्पड़ देते हैं, वो पीछे की ओर हटता है. ठीक है, जैसे ही वो पीछे की ओर हटता है तो दादाजी क्या देखते हैं कि जो टोटो था वो उसके कान में अपनी जो तेज नुकीली दांतों को चुभो रखा था उसकी कान में, और इस वजह से, ठीक है, उसको दर्द हो रहा था और इस वजह से वो जो बंडल ऑफ हे था उसके अंदर ही सिर रखा हुआ था और वो बाहर नहीं खींच रहा था. दादाजी के मारने पर जब वो पीछे की तरफ अपने आप को खींचता है तो टोटो भी उसके साथ खींचता हुआ चला आता है. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट में देखिए. Toto was given hot water in a large bowl to take bath by grandmother. Grandmother एक बड़े से large bowl में, बड़े से कटोरे में उसको ना गर्म पानी देती थी नहाने के लिए रोज दिन. He would cunningly test the temperature with his hand and gradually step into it. First one foot, then another, as he had seen me, यानी जो grandson जैसा कि करता था doing while taking a बड़े से बाउल में जो उसको गर्म पानी मिला था नहाने के लिए वो क्या करता था. ठीक है, ह्यूमन बींग की तरह जिस तरह से ग्रैंडसन करता था, टच करके वो पानी का टेम्परेचर पहले देखता था कि टेम्परेचर क्या था, और उसके बाद धीरे धीरे पहले अपना पहला पैर रखता था उसके अंदर, फिर दूसरा, और ऐसे वो फिर नहाने के लिए उसमें चला जाता था. ठीक है, उसके बाद देखिए फिर क्या होता है.
ही वुड सोप हिज हैंड्स एंड फीट एंड रब ऑल ओवर। वो अपने हाथ पैर में साबुन अच्छे से रगड़ रगड़ के लगाता था, ठीक है, जैसा कि वो दूसरों को नहाते हुए देखता था। एंड इफ एनीवन लाफ्ड एट हिम सिंग डूइंग सो, और यदि उसको ऐसा करते हुए देखकर कोई हंस देता था तो टोज फीलिंग वुड बी हर्ट, तो उसकी फीलिंग हर्ट हो जाती थी। एंड ही वुड रिफ्यूज टू टेक अ बाथ नेक्स्ट टाइम, और नेक्स्ट टाइम से वो नहाने के लिए ही रिफ्यूज कर देता था। ठीक है, आइए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव। इसमें एक ऐसी घटना घट जाती है टोटो के साथ जिसमें वो पानी में उबल ही गया होता अगर उसको नहीं बचाया गया होता तो। ठीक है, देखिए, वन डे टोटो नियरली सक्सीडेड इन बॉइलिंग हिमसेल्फ अलाइव, जिंदा ही वो उबल जाता। ए लार्ज किचन केतली हैड बीन लेफ्ट ऑन द फायर टू बॉइल फॉर टी। एक बड़ी सी केतली चाय बनाने के लिए, ठीक है, वो आग पर रखी जाती है। टोटो थॉट अ मिस्चीफ रिमूव्ड द लिड। टोटो को एक मिस्चीफ वहां पे सूझता है और वो क्या करता है कि उसके लिड यानी उसके ढक्कन को हटा देता है। फाइंडिंग द वाटर वार्म इनफ फॉर अ बाथ ही गॉट इन, और उसको ऐसा लगता है कि ये पानी गर्म हो रहा है नहाने के लिए, और पानी को जब वो छूता है टच करता है तो वो थोड़ा सा गर्म होता है तो वो उसके अंदर चला जाता है। ठीक है, और एंड स्टिक्ड आउट हिज हेड फ्रॉम द केतली, वो उसके अंदर जाके बैठ जाता है और फिर अपने सिर को बाहर निकाल लेता है। व्हेन द वॉटर बिगेन टू बॉयल, और जब पानी उबलने लगता है, ही रेज्ड हिमसेल्फ बट फीलिंग कोल्ड आउटसाइड सैट डाउन अगेन, और जब पानी उबलता है नीचे से तो फिर उसका नीचे का जो भाग होता है वो जलने लग जाता है गर्मी के कारण। ठीक है, तो फिर वो थोड़ी देर के लिए खड़ा हो जाता है, जैसे ही खड़ा होता है उसका सिर और बॉडी का कुछ पार्ट पानी से बाहर निकलता है तो वो फिर बाहर ठंडक फील करता है, जैसे उसे ठंड फील होती है फिर से वो बैठ जाता है उसमें। ठीक है, तो ऐसा ही कई बार वो करता है। ठीक है, आफ्टर सम टाइम ग्रैंडमा अराइव्ड एंड होल्ड हिम अ हाफ बॉयल आउट ऑफ द केतली, और कुछ देर तक वो ऐसा ही कर रहा होता है। ठीक है, तभी वहां पर ग्रैंडमा आती है और उसको जल्दी से पानी से बाहर निकालती है, नहीं तो वो उसमें उस दिन उबल गया होता और वो जिंदा ही उबल गया होता और वो मर जाता। ठीक है, तो ये इंसिडेंट एक बार उसके साथ घटती है। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। टोटो हैड डेवलप्ड ओनली वन थिंग टू मिसचीफ, दैट ही वाज ऑलवेज टियरिंग थिंग्स टू पीसेस एंड व्हेनेवर वन ऑफ एनी आंट्स केम नियर हिम। ठीक है, He made every effort to get hold of her dress and tear a hole in it. टोटो में जो एक बात डेवलप हुई थी वो बात ये थी कि वो हमेशा कोई ना कोई मिसचीफ करता रहता था। ठीक है, और जो ग्रैंडसन है वो कहता है, ठीक है, कि जब भी कोई उसकी आंट उसकी तरफ आती थी, ठीक है, तो वो अपनी पूरी कोशिश करता था कि उसके ड्रेस को फाड़ दे और उसमें होल कर दे। ठीक है, फिर आगे देखिए क्या होता है। वन डे एट लंच टाइम ए लार्ज डिश ऑफ पुलाव स्टूड इन द सेंटर ऑफ द डाइनिंग टेबल। ठीक है, वी सॉ टोटो स्टफिंग हिमसेल्फ विद राइस, और टोटो क्या करता है, खुद को स्टफ करता रहता है। ठीक है, राइस मतलब निकालता हुआ रहता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एंड वेन माई आंट्स रश्ड फॉरवर्ड रिसीव्ड अ ग्लास ऑफ वॉटर ऑन द फेस। ठीक है, और फिर ग्रैंडसन ये कहता है कि जब मेरी आंट उसकी तरफ बढ़ती है, ठीक है, तो टोटो क्या करता है कि ग्लास में पानी होता है वो उठाता है और उसको उसके फेस पे दे मारता है। उसके बाद देखिए क्या होता है। When grandma screamed, और उसके बाद जब दादी जो थी वो चिल्लाती थी उसके ऊपर, चीखती थी कि तुम ये क्या कर रहे हो, टोटो थ्रू अ प्लेट एट हर। जब दादी माँ ने उसके ऊपर चीखा तो उसने क्या किया, एक प्लेट उठाया और वो दादी माँ के ऊपर फेंक दिया। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए, When grandfather arrived, उसके बाद जब दादाजी आते हैं तो क्या होता है, देखिए, He made his exit through a window, तो एक विंडो से वो बाहर निकल जाता है। एंड सैट ऑन द ब्रांच ऑफ अ जैक फ्रूट ट्री। जैक फ्रूट मीन्स होता है कटहल, जैक फ्रूट ट्री मीन्स कटहल का पेड़। ठीक है, जब दादाजी आते हैं वो क्या करता है, एक विंडो से एग्जिट करता है और फिर वो एक जैकफ्रूट ट्री पे बैठ जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए, एंड व्हेन ही हैड फिनिश्ड ही थ्रू द डिश डाउन फ्रॉम द ट्री एंड चैटर्ड विद डिलाइट व्हेन इट ब्रोक इनटू 100 पीसेस। ठीक है,
और वो जैकफ्रूट ट्री के ब्रांच पे ही बैठ के वो खा रहा होता है। जब अपना खाना खत्म कर लेता है उसके बाद वो क्या करता है, दादी माँ को चिढ़ाने के लिए वो क्या करता है, ऊपर से ही थाली को नीचे पटक देता है और वो जो थाली जब टूट जाती है ये 100 पीसेस में, ठीक है, तो वो फिर अपनी आवाज निकालता है, ठीक है, एंड चैटर्ड विद डिलाइट, डिलाइट मीन्स हैप्पी, और वो खुश होता है जब वो प्लेट 100 पीसेस में टूट जाती है तो, ठीक है। आइए लास्ट पॉइंट देखते हैं इसका, इस चैप्टर का ये लास्ट पॉइंट है, वो देख लीजिए। ऑब्वियसली टूटू वॉज नॉट द सॉर्ट ऑफ पेट वी कुड कीप फॉर लॉन्ग। घर में सबको यही विचार करते हैं कि टूटू एक ऐसा एनिमल नहीं था जिसको घर में रखा जा सकता था, ठीक है, क्यों वो देखिए। इवन ग्रैंडफादर रियलाइज दैट, यहां तक कि ये बात ग्रैंडफादर को भी रियलाइज होती है, ठीक है। सब लोग क्या कहते हैं वो देखिए, घर के सारे मेंबर्स क्या सोचते हैं उसके बारे में और वो खुद के बारे में क्या सोचते हैं जो कि टोटो की वजह से उनको नुकसान उठाना पड़ रहा था, वो देखिए। वी कुड नॉट अफोर्ड द फ्रीक्वेंट लॉस ऑफ डिशेस, क्लोथ्स, कर्टेन्स, कर्टेन्स यानी पर्दे, ठीक है, कर्टेन्स पर्दा होता है, एंड वॉलपेपर, ठीक है। घर के सारे लोग यही बोलते हैं, फ्रीक्वेंट लॉस, फ्रीक्वेंट लॉस का मतलब होता है बार बार जो नुकसान होने वाली जो चीजें थी टोटो के द्वारा, ठीक है, उसके बारे में कही जा रही है। इसको घर वालों ने ये कहा कि हम ये नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकते, ठीक है। सो ग्रैंडफादर फाउंड द टोंगा ड्राइवर एंड सोल्ड टोटो बैक टू हिम ओनली 3 रुपीज, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंट लॉस बार बार ना हो ये देखते हुए दादाजी ने उस टोंगा ड्राइवर को दोबारा ढूंढा और वापस वो उसको 3 रुपीज में ही टोटो को बेच दिया। If you like the way of my teaching, then please don't forget to like, subscribe, comment and share my channel. Thanks.